रुख करते हैं सियासी ढाबे की, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर है। बुधवार यानी कि कल दिल्ली में इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ हुआ। करीब 5,000 करोड़ की कोकीन दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बरामद की, लेकिन इसके पीछे अब सियासी कहानी का खुलासा हुआ है। दिल्ली में जब्त इस 5,000 करोड़ की ड्रग्स के तार दुबई से तो जुड़े ही बताया जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड का पॉलिटिकल कनेक्शन भी है, जिसके बाद बीजेपी जो है इस पूरे मामले को लेकर अब हमलावर हो गई है। इन बोरों में बंद है 5,000 करोड़ की कोकीन, जो एक इंटरनेशनल ड्रग्स सिंडिकेट के भंडाफोड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बुधवार को मिली कामयाबी का सबूत है। स्पेशल सेल ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। कहानी कल तक इतनी ही थी, लेकिन आज ये सियासी गलियारों में गूंज रही है। दरअसल इस मामले में सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस की पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। पकड़ा गया मास्टरमाइंड तुषार गोयल उर्फ डिक्की गोयल 2022 तक युवा कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है। तुषार गोयल के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर भी उसके युवा कांग्रेस पदाधिकारी होने की बात लिखी हुई है। इसके अलावा स्पेशल सेल को तुषार की तमाम ऐसी तस्वीरें भी मिली हैं, जिनमें वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ नजर आ रहा है। मामला मास्टरमाइंड के कांग्रेस कनेक्शन तक पहुंचा तो बीजेपी ने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर सवाल उठा दिए। बीजेपी ने कांग्रेस से 3 सवाल पूछे हैं, क्योंकि मुख्य आरोपी की तस्वीर कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ सामने आई है। इसे लेकर बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में ड्रग्स के पैसे के इस्तेमाल की आशंका भी जाहिर की है। 2-3 प्रमुख सवाल है। नंबर 1, ये जो पैसा बरामद हुआ है, ये पैसा कांग्रेस पार्टी के एक पदाधिकारी के ड्रग तस्करी में इन्वॉल्व होने का है, तो क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे, ये शक पैदा होता है। दूसरा शक, ये जो पैसा है क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5,600 करोड़ रुपए किस पर्पज से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध? तीसरा प्रश्न, क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में, यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम यह साफ पूछना चाहते हैं कि अगर उनकी सरकार यदि आ जाती तो इस प्रकार के ड्रग माफिया को हरियाणा में काम करने के लिए उसी प्रकार की छूट मिलती। यही नहीं, बीजेपी नेता ने मास्टरमाइंड तुषार गोयल के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी होने का अपॉइंटमेंट लेटर भी बतौर सबूत सामने रख दिया। हमारे पास वो इंडियन यूथ कांग्रेस के में मुख्य आरोपी तुषार गोयल का अपॉइंटमेंट लेटर है। ये 24 मार्च 2022, और महत्वपूर्ण बात यह है, किस अपॉइंटमेंट लेटर में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी का भी जिक्र है। अगर ये आरटीआई सेल का चीफ था तो आज देश की हर जनता का ये राइट टू इंफॉर्मेशन है कि कांग्रेस पार्टी के साथ इस मुख्य आरोपी, जो इतने बड़े, शायद देश में सबसे बड़े ड्रग कंसाइनमेंट का को पकड़े जाने का मुख्य आरोपी है, उसके साथ क्या संबंध। बीजेपी नेता यही नहीं रुके, उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को भी निशाना बनाया। अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। हालांकि जवाब देने में कांग्रेस पीछे नहीं रही और बीजेपी के इन आरोपों को हरियाणा चुनाव से पहले लोगों को गुमराह करने वाली जानकारी देने की बात कहकर पहले तो पल्ला झाड़ लिया और ये भी कहा कि जब तक कोई पुख्ता कनेक्शन सामने नहीं आता कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, चुनाव से एक दिन पहले इस तरह का आरोप लगाने का मतलब यही है कि पार्टी को बदनाम करना। जब तक कोई सबूत दिल्ली पुलिस के मुताबिक यहां के वसंत विहार के पौश इलाके में रहने वाले तुषार गोयल उर्फ डिक्की के पिता का पहाड़गंज में एक पब्लिकेशन हाउस भी है।
पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी तुषार गोयल 2022 तक दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का आरटीआई सेल का चेयरमैन रहा है। गिरफ्तारी के बाद शुरुआती पूछताछ में स्पेशल सेल को तुषार के बारे में जो पता चला था उसके बारे में स्पेशल सेल के सीपी प्रमोद कुशवाहा ने क्या बताया था, सुनिए जरा। काफी एजुकेटेड सा लड़का है, पब्लिकेशन बैकग्राउंड, फादर इसके एक, ये इसके एसोसिएट्स हैं जो इसने, जैसे औरंगजेब इसका ड्राइवर है पर इस तरह के कामों में इसके साथ रहता है। हिमांशु इसका एक तरह से आप समझ लीजिए इस काम का एसोसिएट भी है, प्लस इस तरह के काम में आपको एक वेल बिल्ट आदमी की जरूरत होती है जो कि किसी भी इवेंचुअलिटी में आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हो, तो उस तरह का कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं। पुलिस ने तुषार के साथियों औरंगजेब और हिमांशु को भी पकड़ा है। हिमांशु पहले बाउंसर था जबकि तुषार का ड्राइवर औरंगजेब सिद्दीकी यूपी के देवरिया का रहने वाला है। चौथे आरोपी का नाम भरत जैन है। भरत जैन ही मुंबई से 15 किलो कोकीन दिल्ली लाया था। दिल्ली से अरविंद ओझा और राहुल गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।